स्वागतम। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी का दोस्त यश अग्रवाल। तो दोस्तों अभी मैं हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस। मेरा दोस्त का कीबोर्ड और माउस ख़राब हो रहा है, वो चेंज कराने जा रहे हैं। और देखते हैं कैसे जाएगी, मेट्रो से जाएगी, गाड़ी से जाएगी या स्कूटी से जाएगी, क्योंकि मौसम बाहर ख़राब हो रहा है, बारिश आ रही है। तो सोच रहे मेट्रो से जाए, गाड़ी से जाएगी, जाम भी मिल सकता है, देखते हैं। भाई आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, अब यहाँ से जा रहे हैं नेहरू प्लेस। और हमें जाना है लॉजिटेक के सर्विस सेंटर, वहाँ पे दिखाते हैं मार्केट। भाई मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, और मेट्रो में भी तो काफ़ी दिनों बाद आया, कुछ पता ही नहीं था यहाँ का क्या है क्या। भाई अब करने लगे हैं मेट्रो चेंज, NSP उतरे। NSP से कौन सी मेट्रो जाएगी अब यहाँ से? NSP से जाएगी मयूर विहार वाली। मयूर विहार वाली मेट्रो जाएगी, वहाँ से भी चेंज करनी है? वहाँ से सीधा लाजपत नगर, लाजपत नगर से फिर नेहरू प्लेस। भाई मेरे को तो आइडिया नहीं है मेट्रो में घूमने का, यही आता है, मैं तो गाड़ी वाड़ी में जाता रहता हूँ। मेट्रो से बड़े दिनों बाद आया, कहीं साल 2 साल हो गए होंगे। दोस्तों पहुँच चुके हैं नेहरू प्लेस कंप्यूटर मार्केट में, और मेरे सामने यह मार्केट पूरी स्टार्ट हो रही है। अभी अंदर घुसे हैं, यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे सर्विस सेंटर कहाँ पे लॉजिटेक का। ये हाल होता है भाई बारिश में, जब भी मन नहीं करता पैदल वैदल आने का, ये हाल है बारिश का। आ गए भैया कंप्यूटर मार्केट मेरे सामने ही है बिल्कुल। और जो यहाँ की दुकान है ना फेमस कोस्ट टू कोस्ट, इसने यहाँ से उससे अपना वो बनवाया था CPU सेटअप बनवाया था, अभी उस पर भी जाएंगे। और सर्विस सेंटर तो आए हैं भाई, वो चेंज कराने अपना माउस कीबोर्ड, और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये मार्केट है भाई कंप्यूटर की, पूरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस। भाई इस बिल्डिंग में है 6th फ्लोर पे लॉजिटेक का हमारा सर्विस सेंटर, सिद्धार्थ प्लेस नाम है बिल्डिंग का, पता नहीं 6th फ्लोर। अभी कराने रुके इसका लैपटॉप ठीक, बाबा आजम जमाने का। मतलब चलते चलते ना डिस्प्ले ना हिल गई थी, तो मतलब ऊपर नीचे करने में चालू हो रही थी, तो इसके बिल्कुल डिस्प्ले थी चार्जर थी। अरे तो यही वाला भाई लैपटॉप दे दिया था ठीक होने के लिए, 1000 रुपये लग रहे हैं। बाबा जमाने का लैपटॉप दे दिया, पार्ट मिले के लिए मिले गए। मैं तो भाई उसके सामान के लिए दिया बस। अब यहीं से लिफ्ट से ऊपर जाएगा 6th फ्लोर पर सर्विस सेंटर लॉजिटेक। भाई देखो लैपटॉप है ना सामने दिखी, कोस्ट टू कोस्ट की दुकान, सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता और सबसे। भाई इसने यहीं से बनवाया था ये दुकान, और ये सबसे पुराना बोर्ड है, पुराना बोर्ड है ये, देख के आना ज़ूम कर। भाई इसमें लिखा हुआ है 1st फ्लोर भाम भवन 14 नेहरू प्लेस। भाई ये दुकान है भाई, सर्विस सेंटर भी हो ली और आपको दुकान दिखाई मैंने अभी कोस्ट टू कोस्ट, और अभी हमारा लैपटॉप इतने ठीक हो रहा है, तो यहाँ पे खाने पीने जा रहे हैं। ये बता रहा को यहाँ पे दुकान है एक बढ़िया सी फेमस दुकान है, देखते हैं उस पर क्या मिलता है, वो खाएंगे और दिखाता हूँ आपको भी। अभी आप भी आओ तो फिर खाना भाई, अगर बढ़िया लगे तो ही बताऊँगा भाई। अभी ये रुका है अपने लैपटॉप की स्किन, प्ले स्टेशन के लिए स्किन देखने के लिए। 100-100 रुपये की। कितने की? 100-100 रुपये। 100 रुपये की कोई सी भी लो। और फ़ोन रैप भी करते हो भाई? ये है ये यहाँ पे कह रहा था क्या, चावल मिलते हैं अलग, खाना वगैरह फेमस है यहाँ का न्यू पंजाबी खाना, खा के देखते हैं आपको बताता हूँ मैं कैसा है। दो है, एक स्टैंडर्ड खन्ना, एक न्यू पंजाबी खन्ना, खा के देखते हैं आपको टेस्ट बताता हूँ। चार तो एक लच्छा पराठे आएगा, एक बटर नान आएगा, एक काला जामुन आएगा, काला जामुन जी, और एक ये 150 की थाली, 150 में आपको रायता भी आएगा, काला जामुन भी आएगा, बटर नान आएगा, रोटी भी आएगा, चावल भी आएंगे, और पनीर आएगा। हाँ पनीर भी आएगा सर, जो बड़े वाला है। चलो भाई ये है, आप एक थाली ये लगवा लो, उसके बाद में आपको पोशाक पड़े तो एक डीलक्स थाली तो ले आ, ठीक है भाई। मेन्यू देख लो, ये इसका मेन्यू ये है ठीक है, और एक पीछे का मेन्यू ये आता है। और भाई पीछे आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, जो आवाज़ आ रही थी काम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। क्या उतरती है क्या स्पीड से ये रोटियाँ, पूरी इनकी रसोई, आगे खाना रखा हुआ है पूरा, और यहाँ पे इनका पूरा ही क्या रहता है। हाँ ये मटर है, ये मटर पनीर है,
ये पालक पनीर आ गया जो हमारी डीलक्स थालिया भैया वो तैयार करेंगे, रिफिल करेंगे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। भाई आगे काउंटर हो गया, मैं पीछे इस वक्त रसोई में खड़ा हुआ हूँ। इधर जब पूरा खाना बनता है इनका, यहाँ दाल बनती है, रोटी बनती है, चावल बनती है, पूरा सारा तैयार होता है इनके मसाले भैया आपके खुद के ही है, बाहर से लाते हो मसाले? खुद से बनाते हो ये मसाले भी? भाई मसाले भी यहाँ के इनके खुद के मसाले हैं। ये हमारी थाली तैयार हो रही है इस वक्त, इसमें चावल है, शाही पनीर है, दाल हो गई अपनी, कढ़ी है, रायता आएगा और भाई गुलाब जामुन भी है इसमें, और अच्छा खीर भी मिल जाएगी इसकी जगह, चॉइस है, चॉइस में है या वैसे है? चॉइस में। अच्छा और क्या कॉस्टिंग है भैया इस थाली की? 140 की है भाई, और इसका इतना सारा खाना मिलेगा, पेट भर के खा जाएगा, एक दो बंदे के लिए काफ़ी है भैया। ये दुकान है न्यू पंजाबी खन्ना, इसमें तीन दुकान है, ये जो मेन दुकान है न्यू पंजाबी खन्ना इधर कोने वाली है बिल्कुल, और ये भैया ऑनर है। अभी खाना ले लिया हमने, टेस्ट करके बताते हैं कैसी है भाई। खाना टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है, मैंने अभी टेस्ट करा भाई, कढ़ी तो अच्छी लगी मेरे को, पनीर और दाल टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। भाई खाना ऐसा है घर जैसा बिल्कुल, मसाले एक तो इनके खुद के बनाए हुए हैं और बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, बिल्कुल साफ सफाई से, ऐसा लग रहा है घर का खाना खा रहा हूँ बढ़िया। भाई खाना खा के निकल चुके हैं, आपको मैंने सब कुछ दिखाया, टेस्ट एक नंबर है, पर भाई इधर लाइन से तीन दुकान है। अगर कोने वाली जो मैं दिखा रहा था ना न्यू पंजाबी खन्ना, वो मेन दुकान है जो ओल्ड पुरानी है, जो अंकल जी बैठते थे पहले उन्हीं का बैठ रहे हैं, उनकी दुकान पे जो बैठ रहे हैं वही दुकान पे खाना, उसी के दुकान का टेस्ट है बढ़िया टेस्ट। भाई उन्हीं के जो मसाले होते हैं ना, मसालों का टेस्ट होता है असली, वो उन्हीं मसालों का, उन्हीं का ही है जो असली टेस्ट आता है। और वो ये कि झगड़ा बहुत होता है कि भाई हमारे कस्टमर है हमारे कस्टमर, पर आप सीधा उसी दुकान पर जाना तो कोने की दुकान है, और बिल्कुल फ्रेश बढ़िया अच्छा साफ सुथरा खाना बनाते हैं, ये नहीं है कि गंदगी है, टेस्ट एक नंबर है। अब भाई अब जा रहे हैं लैपटॉप वाले पे, जो हमारा लैपटॉप ठीक हो रहा था भाई, लैपटॉप जितना काम था हमारा सारा हो चुका है, अब वापसी जा रहे हैं घर की तरफ, मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से जाएंगे घर। स्किन लिया 100 रुपये में, एक स्किन जो दिखा रहा था मैं आपको 100-100 रुपये वाली एक स्किन लिया, घर जाके दिखाऊंगा कौन सी ली है। तो दोस्तों घर आ चुके हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं ऐसी वीडियो जरूर बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।